हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट मैथ्स क्लास में, और हम सॉल्व कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट प्रीवियस ईयर पेपर। और आज है हमारा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट मैथ्स सेट 10। तो आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ उनमें है अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस, यानी कि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता करनी होती है कि इस क्वेश्चन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा। हमें जो वैल्यू दी होती है वो डेसिमल्स वगैरह में दी होती है और उसका हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो आज फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। वो है 39.99% ऑफ 2/5 प्लस 60.05% ऑफ 1/5 इंटू 10^3 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। सो हमें इन सारे वैल्यूज जो भी डेसिमल्स में है उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ लिखनी होगी। तो देखते हैं कि 39.99 जो हमारा राउंड ऑफ होके आएगा वो होगा 40%, यानी 40% ऑफ 2/5। फिर है हमारे पास 60.05%, यानी कि 60/100 इंटू 1/5, और इसे हमें पूरे को मल्टीप्लाई करना है 10^3, यानी कि 1000 से प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 0 कैंसिल आउट होगा और ये 2/5, यानी कि यहाँ पे होगा हमारा 4/25 प्लस यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, 0 कैंसिल, 2 से 6 3 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, यानी कि 3/25, और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 1000 से प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। तो ये जो हम अगर हम 1/25 को इस ब्रैकेट से हटा दें तो हमारे पास होगा 7 × 1000/25, यानी कि हमारे पास जो यहाँ वैल्यू आएगी वो होगी 7 × 40। 25 से 1000 जो होगा वो 40 टाइम्स में डिविजिबल होगा, 7 × 40 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। अब 7 × 40 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 280, 7 × 4 = 28, इसलिए 280 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। अब हमारी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 − 280, यानी कि −279। हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो शुरू में वैल्यूज दिए हुए हैं वो डेसिमल में है उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखकर सिंप्लीफिकेशन की तरह इसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, −279। ये जो यहाँ भी प्लस में वैल्यू दी गई है ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम माइनस है, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी −279, ना कि ऑप्शन सी, ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा सेम है लेकिन साइंस जो है वो डिफरेंट है। यहाँ जो वैल्यू आई है वो −279 है, ना कि +279। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12.99 प्लस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 11.110 स्क्वायर प्लस 14.009 स्क्वायर। इसकी भी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लिखनी होंगी। सो 12.99 वुड बी 13, ये जो है 13 के का क्लोज है, 12.99 वुड बी इक्वल टू 13, तो 13 पे हमारा स्क्वायर है प्लस। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क पे स्क्वायर है और वो अंडर रूट में है, यानी कि ये खुद को, ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा केवल और केवल क्वेश्चन मार्क बचेगा। आगे देखते हैं 11.10 पे स्क्वायर है, यानी कि ये हमारा 11 होगा, 11 का स्क्वायर प्लस 14.009 है, यानी कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 14 होगा, 14 पे स्क्वायर। और अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 121 प्लस 196। सो हमारे जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 217 माइनस 169, यानी कि 148। हमें क्वेश्चन को बहुत ही मेंटली कैलकुलेट करना है, बहुत ज़्यादा पेन यूज़ नहीं करना है, तो हमारा टाइम सेव होगा और हम इन क्वेश्चंस को जल्दी करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 148। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 22.99 प्लस 17.01 डिवाइडेड बाई 1.998 इंटू 3.997 माइनस 41.998 प्लस 644.199। सो इसे इसमें भी हमें इन सब की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है। 22.99 जो होगा वो हमारा 23 हो जाएगा, यहाँ पे 17.01 है वो हमारा 17 हो जाएगा। इसे हमें डिवाइड किससे करना है, 1.998 यानी कि 2 से डिवाइड करना है, इंटू
3.997 जो होगा वो 4 हो जाएगा, माइनस 41.998 जो होगा वो हमारा 42 हो जाएगा, और 644.199 जो होगा वो हमारा 644 ही रह जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है हमें। 23 प्लस 17 हमारा 40 होता है, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 होगा ये हमारा, और 20 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 80 होगा। ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है ये हमें मेंटली ही करनी होगी। माइनस 42 प्लस 644, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी वो होगी 724 माइनस 42, यानी कि 682। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 682। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पांच क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे ये अप्रोक्सीमेशन के हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें है 17.992 स्क्वायर प्लस 21.102 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.997 टू द पावर 7 प्लस क्वेश्चन मार्क। 17.992 यानी कि 18 का स्क्वायर प्लस 21.102 स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, और 1.99 यानी 2 पे पावर 7 है प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं, 18 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 324 होता है। यही मैंने बोला था आपको कि 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर और क्यूब्स की वैल्यू हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें कोई परेशानी नहीं होगी, वरना हमें यहाँ 18 को 18 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा, फिर हमारा बहुत टाइम चला जाएगा जो कि हमें सेव करना है। आगे देखते हैं, 21 का स्क्वायर होता है 441, और 2 पे पावर 7 की वैल्यू होती है, जो 2 के पावर्स होते हैं ना 7, 8, 9, 10, ये काफ़ी कॉमन पूछे जाते हैं, तो 2 पे पावर 7 की वैल्यू होती है वो होती है 128 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो होगी 765 माइनस 128 यानी कि 637। सो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा, 637। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का। देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है। अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इंटू 15.083 प्लस 24.988% ऑफ 640.032 इज इक्वल टू 9.999 क्यूब। यहाँ पे अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इंटू ये जो 15.083 है वो हमारा 15 रह जाएगा, 24.988 है वो हमारा 25% हो जाएगा, और 640.032 640 ही रहेगा, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 9.999 क्यूब यानी कि 10 का क्यूब। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये जो हमारा डिविजिबल होगा वो होगा 116 टाइम्स में, 14 टाइम्स में, और ये 4 से 16 टाइम्स में। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन मार्क इंटू 15 इंटू 160, ये जो हमारा 160 होगा इज इक्वल टू 1000। सो अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 15, ये जो हमारी प्लस की वैल्यू है यहाँ पे प्लस है, प्लस 160 इज इक्वल टू 1000। अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इंटू 15 इज इक्वल टू 840, जब हम 1000 में से 160 को माइनस करेंगे तो 840, और अंडर रूट क्वेश्चन मार्क वुड बी इक्वल टू 840 बाई 15 यानी कि 56। और चूंकि ये अंडर रूट है तो हमें क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो 56 का स्क्वायर होगा यानी कि 3136। अब इस क्वेश्चन को पूरा 56 का स्क्वायर ना भी याद हो तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कि हमें पता है कि लास्ट डिजिट इसका 6 होगा, तो लास्ट में जो 6 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 36 यानी कि 6 आएगा। अब इन सारे ऑप्शंस को अगर हम चेक करें तो इसमें 384 है, 3644 है, लास्ट डिजिट जो है वो हमारा 6 होना चाहिए, तो ये केवल और केवल ऑप्शन सी में है। तो अगर आपको 56 का स्क्वायर नहीं भी याद है तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि लास्ट में अगर डिजिट 6 है तो उसका मल्टीप्लिकेशन 36 होगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट 6 होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 3136। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो अरिथमेटिक के हैं। ये करीब 10 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में पूछे जाते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के, टॉपिक्स टाइम एंड वर्क, रेशियो, एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टाइम एंड वर्क का।
जो हमें क्वेश्चन दी गई है उसमें तीन लोग हैं, ए बी और सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए बी सी हैं वो 24 दिन, 30 दिन और 40 दिन में रेस्पेक्टिवली काम कर सकते हैं। द बिगेन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ वर्क, इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कम्प्लीटेड। हमसे पूछा गया है कि ए जो है वो हमारा 24 दिन में काम करता है, बी जो है वो हमारा 30 दिन में काम करता है और सी जो है वो 40 दिन में काम करता है। इन तीनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया लेकिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले, काम खत्म होने से 4 दिन पहले सी छोड़कर चला गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ है। चलिए देखते हैं, हमारे जो ए जो है वो 24 दिन में काम ख़त्म करता है, बी 30 दिन में काम ख़त्म करता है और सी 40 दिन में काम ख़त्म करता है। जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 120। चलिए देखते हैं आगे, जो हमारा ए है वो 24 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में काम करता है और सी 40 दिन में काम करता है। तो एक दिन में ए जो होगा वो 5 काम करेगा, बी जो होगा वो 4 काम करेगा और सी जो होगा वो 3 काम करेगा। तो अगर हम अंत के 4 दिनों को देखें, जब सी छोड़ के चला गया, अंत के 4 दिनों में जब सी छोड़ कर, और टोटल काम हमारे पास कितना है 120, लास्ट के 4 दिनों में जब सी ने काम नहीं किया तो कौन काम कर रहा था? केवल ए और बी, यानी कि लास्ट के 4 दिनों में ए और बी काम कर रहे थे, यानी कि 5 + 4 = 9 × 4, यानी कि लास्ट के 4 दिनों में, लास्ट 4 डेज में केवल और केवल 36 वर्क हुआ है। जब 120 में से हम 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 84, यानी ये जो 84 काम हुआ है ये ए बी और सी ने साथ मिलकर किया है। तो चलिए देखते हैं, जब ए बी और सी साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 + 4 + 3 यानी कि 12 काम एक दिन में वो मिलकर करेंगे। और अब इन्होंने मिलकर 84 काम किया है, तो 84 काम को करने में अगर वो तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं तो कितना वक्त लगेगा? हमारे पास जो वक्त लगेगा वो 7 दिन का लगेगा, यानी कि ये 7 दिन जब शुरू में ए बी सी साथ थे और अंत के 4 दिन जब ए और बी थे, तो टोटल हमारा जो टाइम लगा वो होगा 7 + 4, शुरू के 7 दिन, 7 दिन जब ए प्लस बी प्लस सी थे और लास्ट के 4 दिन जब केवल ए और बी थे, सी नहीं थे, इसलिए हमारा जो टोटल टाइम होगा वो होगा 11 डेज। सो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दी हुई है वो रेशियो का है। एक बैग है, अ बैग कंटेन्स 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:9:4 अमाउंटिंग टू ₹206। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप रेस्पेक्टिवली। हमें कॉइन्स के एक बैग दी हुई है जिसमें 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कॉइन्स हैं और 10 पैसे के कॉइन्स हैं और इनका रेशियो है 5:9:4। और इन सब की वैल्यू जो है, जब इन सारे पैसों को जोड़ा जाता है तो इनकी वैल्यू ₹206 की हो जाती है। हमसे पूछा गया है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे कॉइन्स की नंबर क्या है, वो कितने कितने के कॉइन्स हैं। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि हमें जो रेशियो दी हुई है 5:9:4, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 5:9:4 रेशियो में, यानी कि 50 पैसे के सिक्के हैं 5x, 25 पैसे के सिक्के हैं 9x और 10 पैसे के सिक्के हैं 4x। चलिए आगे देखते हैं, और जो टोटल इनकी वैल्यू हो रही है वो है 206, ये हमें डेटा यहाँ दिया हुआ है। तो देखते हैं, अगर हम इसे करेंगे तो 50/100 × 5x, यानी कि जो 50 पैसा है यानी कि 0.5 रुपया, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी गई है वो रुपीज़ में दी गई है। आगे देखते हैं, 25/100 × 9x, 10/100 × 4x, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 5/2x + 9/4x + 2/5x = 206, इसलिए कि इन सारे कॉइन्स को जब हमने जोड़ा तो हमें जो वैल्यू दी गई है वो है 206। आगे बढ़ते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 103x/20, 2, 4, 5 का एलसीएम होगा 20। आगे देखते हैं, जो ये वैल्यू होगी वो 206 के इक्वल होगी, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू होगी वो होगी
206 इंटू 20 बाय 103 यानी कि 40। और हमसे यही तो पूछा गया कि हर एक जो कॉइन है 50 पैसे की कॉइन कितने हैं, 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, 10 पैसे के कॉइन कितने हैं। तो हमारा जो 50 पैसे का कॉइन है वो 5x है यानी कि 5 इंटू 40 यानी कि 200 है। जो 25 पैसे के कॉइन्स हैं वो कितना है, 9x है यानी कि 9 इंटू 40 यानी कि 360 है। और जो 10 पैसे के कॉइन्स हैं वो कितने हैं, वो 4x है यानी कि 4 इंटू 40 यानी 160। 200, 360, 160 यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 200, 360 एंड 160। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो एवरेज का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th इनिंग एंड दस इंक्रीजेज इज एवरेज बाय 3। फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक बैट्समैन है उसने 87 रन स्कोर किए 17th इनिंग में, और 17th इनिंग इसके बाद जो इसका एवरेज जो है वो 3 से बढ़ गया। तो हमें 17th इनिंग के बाद इसकी एवरेज बतानी है, यानी कि पहले अगर एवरेज x था तो अब एवरेज जो है x प्लस 3 हो गया और हमें उसी x प्लस 3 की वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारा 17th इनिंग में जो एवरेज है वही x है, 17th इनिंग की जो एवरेज है वो x है। तो 16th इनिंग में एवरेज कितनी होगी, 17th इनिंग में हमारा जो एवरेज है पहले से 3 बढ़ा है, तो 16th इनिंग में जो हमारा एवरेज होगा वो x से 3 कम होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16x-3+87 यानी कि जो हमारी पुरानी 16th की जो एवरेज थी उसमें अगर हम 87 रन्स और ऐड करते हैं तो हमारा जो नया एवरेज होगा यानी टोटल स्कोर होगा वो होगा 17x। और इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 16x-48+87=17x। तो हमारे जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 87-48 यानी कि 39। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 39। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। मेंसुरेशन भी बिल्कुल पूछा जाता है, करीब 2-3 क्वेश्चन जो एक दो क्वेश्चंस होते हैं वो मेंसुरेशन के होते ही होते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल दी हुई है, रेक्टेंगल यानी चतुर्भुज, और इसका जो डायगोनल है यानी कि विकर्ण वो कितना है, 17 सेंटीमीटर है, और इसका पेरीमीटर यानी कि इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 2l+b, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b, वो हमें कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। और हमसे पूछा गया है रेक्टेंगल का एरिया, यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, lb, हमसे l×b पूछा गया। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। हमारे पास 2l+b=46, तो हमारे l+b की वैल्यू कितनी होगी, 23। अब क्वेश्चन में जो ये डायगोनल दिया हुआ है, ये डायगोनल हम कैसे निकालते हैं, अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ होगी, तो इस एरिया को क्योंकि ये 90 डिग्री होता है तो इसे हम पाइथागोरस के रूल से l²+b² निकालते हैं। तो l²+b² हमारा कितना होगा, 17 का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, l²+b² हमारा हो जाएगा l²+b² = 17 का स्क्वायर यानी कि 289। आगे देखते हैं, और हमें यहाँ जो वैल्यू दी गई है l+b, ये जो हमारा l+b है, अगर हम इसका होल स्क्वायर निकालें l+b का होल स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आएगा, 23 का स्क्वायर यानी कि l²+b²+2lb=23 का स्क्वायर यानी कि 529। अब l²+b² की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है 289, सो हम इसे यहाँ पुट कर देंगे, 289+2lb=529, और 2lb=529-289। सो 2lb की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आएगी वो होगी 40, और हमसे पूछा क्या गया है, lb यानी कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, lb की वैल्यू होगी 240/2 यानी कि 120।
सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 120। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। एक स्टूडेंट है, उसे एग्जाम में पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, 33% मार्क्स चाहिए, 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, और उसे 125 मार्क्स आता है और 40 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। यानी कि अगर उसे 40 मार्क्स और आए होते तो वो पास हो जाता है, यानी कि उसका 33% पूरा हो जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो 33% मार्क्स होगा वो कितना होगा, 125 मार्क्स उसे आए थे, 40 मार्क्स नहीं आए थे, 40 मार्क्स अगर आए होते तो वो पास हो जाता है, यानी कि 33% मिनिमम पासिंग परसेंटेज उसके पास आ जाता है। तो अगर हमारे पास 33% की वैल्यू 165 दी हुई है तो हम इसे 100% की वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना होगा, 100% होगा, तो 100% की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 100% वुड बी इक्वल टू 165 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 100। अब 165 जो होगा 33 से 5 टाइम्स में डिविजिबल होगा, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 500, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, 500 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स थे उस टेस्ट के। आज के सेशन में बस इतना ही, उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।